फैसलाबाद जो कि अपनी सनती पैदावार के लिहाज से पूरी दुनिया में मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, इसकी सनती तरक्की में पावर लूम इंडस्ट्री रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान में इस वक्त कुल 3 लाख पावर लूम यूनिट काम कर रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 2 लाख पावर लूम यूनिट फैसलाबाद में मौजूद हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा मजदूर बिलवास्ता या बिलावास्ता इसके साथ वाबस्ता हैं। लेकिन अफसोस, आप पावर लूम इंडस्ट्री हुकूमत की अदम तवज्जो और नाकस पॉलिसी के बायस तबाही के दहाने पर है। पावर लूम इंडस्ट्री जो कि पिछले कई अरसा से बदहाली का शिकार है, इसी दौरान 2,50,000 पावर लूम यूनिट बंद हो चुके हैं, जबकि 50,000 से ज्यादा मजदूरों को बेरोजगारी का सामना है। मजदूर कला काम करने वाला वा हालात इन्ने खराब हो तो लोड छाड़ेगा, मजदूर आदमी सिर्फ बेली भरा सकता वा, घर का खर्चा नहीं चला सकता, मजदूर बेचारे की करन भुखे हो गए, कोई खुदकशियां कर रहा वा, और इतने दसो मुल्क की होना वा, गरीब आदमी तंग ना हो गए तो होर की करे। इस हुकूमत आ जी महंगाई के बारे बिल्कुल ही सोच रही, मालक वह परेशान आ, जे रेट की बारी आँदी लूमा वह बंद रही 15-15 दिन, हुकूमत वह साथ नहीं दे रही मजदूरों का, मजदूर का कोई बंदा नहीं सोचता। इतने मौजूदा प्रोग्राम जो है ये धागे की वजह से बिजली के रेट बहुत बढ़ गए हैं, इसकी वजह से इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा बहरान है वो सबसे पहला बिजली का है, जो तकरीबन 6 घंटे बंद रहती है। उसके बाद सूत्र का बहुत ज़्यादा मसला है, वो हमें तकरीबन डबल रेट पे हो चुका है, और कपड़ा हमारा भी बाहर जा रहा है, कपड़े का रेट बहुत कम है, सूत्र का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। वो सूत्र तकरीबन गवर्नमेंट ने लगाया था 17% बाहर जाने के लिए, लेकिन इस वक्त तो फ्लोट हो रहा है 60% हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा हल हो जाए तो सबसे बेहतर है। पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात डालने वाला अहम जरिया माश पावर लूम इंडस्ट्री को पिछले कई सालों से मुश्किल का सामना है। इस वक्त 10 से 15% पावर लूम बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, जबकि 30 से 40,000 पावर लूम स्क्रैप हो चुकी हैं। मुल्क की जरूरत का 82% कपड़ा पावर लूम इंडस्ट्री, जबकि 18% टेक्सटाइल सेक्टर से हुआ किया जाता है। मजदूरों की उजरत में इजाफा हमेशा ही से मुतनाजा रहा है, हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत ने मजदूर की कम से कम उजरत 6,000 से बढ़ाकर 7,000 मुकर्रर कर दी है। जो मेन मसला जो लेबर का है ना, ये है, हालांकि गवर्नमेंट ने जो जारी किया मिनिमम वेजेस बोर्ड ने, कि जो मिनिमम तनख्वाह थी वो 6,000 रुपए थी, उसको बढ़ा के 7,000 कर दिया, तो वो अपना बनती है 17%। 6,000 को अगर 7,000 में कन्वर्ट करें तो 17% बनती है, तो उन्होंने यही लिख दिया उसमें। तो हमारे जो लेबर लीडर साहबान है ये कह रहे हैं कि हर एक की 17% तनख्वाह बढ़नी चाहिए, हालांकि वाजे लिखा हुआ है वहां पे कि जो मिनिमम उनका काम ही मिनिमम है, मिनिमम वेज बोर्ड का काम ही है मिनिमम तनख्वाह तय करनी, उन्होंने मिनिमम 6 से 7 कर दी। अब ये जो 12,000 ले रहा है ये भी कह रहा है मेरी 17% बताओ, जो 20,000 ले रहा है वो भी कह रहा है मेरी 17% बताओ, तो ये कैसे मुमकिन है, हो ही नहीं सकता। और ये सारा काम लीडरों का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारा काम जो है ना ये लीडरों का किया जा रहा है। इसके बावजूद फैक्ट्री मालकान की तरफ से मजदूरों को इनके हकूक से दूर रखा जा रहा है। पावर लूम्स मजदूर पिछले कई सालों से अपने हकूक की जिदोजहद जारी रखे हुए हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से ये जिदोजहद बहुत बढ़ गई है। ऐसा इसलिए है कि मजदूर मुनसिम और खुद मुख्तार हो गए हैं, और उन्होंने इस चीज को पावर लूम्स मालकान और इंतजामिया को एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया। पावर लूम्स को बंद करने की बड़ी वजह मजदूरों की तरफ से तश्वीशनाक एहतजाज के बाद महसूस हुई। हजारों मजदूरों ने सनती इलाकों की तरफ मार्च किया और इन मजदूरों के साथ बाहमी इत्तफाक किया जो पहले से ही मजदूर हड़ताल में शरीक थे। मुजाहरों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब फैक्ट्री मालकान की तरफ से मजदूरों के पुरअम मुजाहरों को रोकने की कोशिश की गई, और इसी तरह लेबर लीडर भी और हमारे भी लूम मालकान में भी कुछ लीडर ऐसे हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। लेकिन क्राइसिस का जिम्मेदार कोई भी नहीं होता, और इसमें सारे आला हुकूमती अहदेदार भी जो हैं वो भी या उनके असर की वजह से थे या उसमें ब्रीफ केस की सतह इन्वॉल्व थी, लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का खाम माल पाकिस्तान के मद्दे मुकाबल मुल्कों को मिला जिन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, और हम लोग उसी तरह पहले की तरह स्ट्रगल करते और आपस में लड़ते हुए हमने ये साल बड़ी ही क्राइसिस में और कस्बा पुरसी में गुजारा है। हम तो अपनी
जो फैक्ट्री ओनर्स हैं एसोसिएशन है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो हमने तो बिल्कुल अपना एक किरदार प्ले करना है कि हम शरह इजाफा जो मजदूरों की वेजेस में है उसको इस शरह तक ही रखा जाए कि हमारे मालकान उस इजाफे को आराम से अदा कर सकें। अगर हम हुकूमत के सामने झुक जाएँ कि हम ऐलान कर दें कि जी ठीक है हुकूमत ने जो शरह इजाफा अनाउंस किया उसको हम मान लें, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो फिर हो नहीं सकता। इसलिए हमने हुकूमत की हर जगह के ऊपर इस बात की मुखालफत की और अपने पावर लूम इंडस्ट्री को दफा करने की कोशिश की कि हम लोग उतना इजाफा करवा सकें जितना इजाफा हम लोग और हमारी इंडस्ट्री जो है वो बर्दाश्त कर सके। ये जो करते हैं ये मसला खुद क्रिएट करते हैं, इनका काम है अपना मसला क्रिएट करके अपनी सियासत चमकाना। इनको तो चाहिए ये वीडियो कैमरा और अखबारी रिपोर्टर कहाँ से भी आ जाए, इनको मसला ये नहीं इशू कि जो लूम का ही मसला लेंगे, ये आपकी कोई एनजीओ बनाई फिरता है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, अंजमन ताजरान में चले जाओ सूसा रोड पे चले जाओ या किसी ना किसी में चले होते हैं। देखो ना ये जो हमारे नाम नहाद लीडर हैं लूमों वाले, लीडरी चलाने के लिए इनको कोई ना कोई इशू चाहिए, तो इशू ये खुद क्रिएट करेंगे, ये मजदूरों से भी मिले हुए हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो ये इल्जाम हैं कि ये शहर में अमन तबाह कर रहे हैं, मैं कहता हूँ एक भी साबित हो जाए कि कानून की वायलेशन हमने की है तो फिर भी मैं जिम्मेदार हूँ। किसी जगह पर भी वायलेशन साबित हो जाए कि कानून की वायलेशन हमने की है। देखिए जी राणा फरूक सईद का जहां तक तल्लक है, मैं तो दो तीन मरतबा इत्तफाक हुआ जब से वो टेक्सटाइल मिनिस्टर बने उनसे मिला हूँ। मैं समझता हूँ कि वो तो एक मोरे हैं, वो कोई किरदार अदा करना भी चाहें तो वो मेरा ख्याल है कि इस पर कर नहीं सकते, तो असल कुव्वत ताकत जो है वो पीछे बैठी है। मौजूदा बहरान की बड़ी वजह धागे की बरामद है और ये बरामद 30 मिलियन किलोग्राम से बढ़ाकर 80 मिलियन किलोग्राम करती है और धागे का 100 किलो का बैग 6500 रुपए में फरोख होता था जो अब 10000 रुपए में भी मार्केट में दस्तियाब नहीं, और बैन अलावा मार्केट में यही कीमत 60 पाउंड से बढ़कर 110 पाउंड तक जा पहुंची है, जबकि माहरीन का कहना है कि चाइना बांग्लादेश और श्रीलंका को फौरी तौर पर धागे की बरामद रोक कर मुल्क की जरूरत को मद्देनजर रखा जाए। धागे की बरामद में 15% ड्यूटी और लोड शेडिंग में कमी इंडस्ट्री मालिकान और मजदूरों की परेशानी में कमी का सबब न बन सकी। जरूरत से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था। अगर आपको मैं थोड़ा सा तफसील से बताऊं ना, धागे की जो प्रोडक्शन है ना पाकिस्तान में, उसका तकरीबन 80%+ जो है वो लोकल इस्तेमाल में होता है। तो जब तक ये जो धागा है ना 20% एक्सपोर्ट होता रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पूरे पाकिस्तान को हर मैन्युफैक्चरर को, चाहे उसमें हौजरी वाला हो, तौलिए वाला हो, पावर लूम वाला हो, कोई और जो भी धागा इस्तेमाल करता है, लेकिन जब धागा 20% से ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लग जाता है ना, तो फिर उस वक्त प्रॉब्लम होती है, रॉ मटेरियल शॉर्ट हो जाता है। और इस दफ़ा तो ऐसा हुआ कि धागा तकरीबन 50% से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता रहा, तो इस वजह से जो पिछले 2 साल लगे हैं ना, ये लूमों पे बहुत ज़बरदस्त बहरान आया है। इस दफ़ा तो अपनमा वालों ने हद कर दी है कि उन्होंने तो अपना धागा जो है ना ये सारा अपना क्या कहते हैं कोर्स अकाउंट में 10 सिंगल और 20 सिंगल रुई के भाव बेच दिए। हुकूमत को चाहिए कि मईशत का पहिया चलाने और इससे वाबस्ता लोगों की जिंदगी में खुशी लाने के लिए इंडस्ट्री को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दें, जबकि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर कोई भी नहीं जानता कि इंडस्ट्री और इससे वाबस्ता लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा। आटा भी नहीं मिल रहा और चीनी को वैसे तो बहुत महंगाई हो चुकी है और हालात के हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते और लूमा काफी दिन बंद पड़ी रही और हम कुछ नहीं करते रहे, वेले फिरते रहे। और तनख्वाह 6000 है, ड्यूटी बहुत ज्यादा है, नहीं गुजारा नहीं होता। तकरीबन 16 साल से काम कर रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, अखीर रोटी पूरी होती है। तनख्वाह तो हफ्ते का राशन भी नहीं आता है, बच्चे 2-2 दिन भूखे भी बैठ जाते हैं। ताहम पावर लूम्स इंतजामिया और मजदूर रहनुमा एक दूसरे को इन क्राइसिस का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जब ये ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं दोनों तरफ से, लेबर लीडरान की तरफ से भी और मालकान की तरफ से भी, तो फिर ये काम खराब करते हैं। वरना लेबर मजदूर का कोई, हमारा और मजदूर का कोई मसला नहीं है, हम दोनों तरफ से मुतमिन है, लेकिन दोनों तरफ के लीडरान काम खराब कर रहे हैं। इस क्राइसिस का जिम्मेदार कोई भी नहीं होता। बात यह हम तो हुकूमत से 20 दफा इस मामले पे मुजाकरात हुए, लेकिन बाज कुछ ऐसे हमारे दोस्त है जो हुकूमत के और
मैं समझता हूँ कि दबाव को बर्दाश्त ना कर सके, और वर्कर्स जैसा मैंने कहा है कि वो काफ़ी अग्रेसिवली इस चीज़ को हैंडल कर रहे थे, वर्कर्स के जो यूनियन थी, तो वो लोग इस सारे इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो डीसी साहब के पास कुछ ऐसा एग्रीमेंट कराए जो पावलूम इंडस्ट्री को मंजूर नहीं था। तो इसलिए ये हमेशा अपना, मैं समझता हूँ कि अपने मौक़ों पर डटे रहना जो होता है वो आपको आखिर तक फतह की तरफ लेकर जाता है और मामला को हल करने में मददगार साबित होता है। उनकी तरफ से दबाव के मैसेज आए कि कालदून की रिहाई के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और मजदूर जो हैं वो तो खुद स्ट्राइक के लिए तैयार थे, वो चूंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, वो तंजीम को बार बार मजबूर कर रहे थे। फिर हमने जब देखा कि टेबल टॉक के ऊपर हमारी बात को तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो फिर उस पर हमने ताकत जो थी उसका मुजाहरा करना था। और इन तमाम हालात में फैक्ट्री मालिकान मुसलसल परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो नुकसान जो देख रहे हैं कोई ऐसा वजन दाम काम कोई नहीं, क्योंकि लेबर भी तंग कर दिया, यूनियन नू गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है, जिन्हों मर्जी अग ला दो, जिन्हों मर्जी कुट दो, डंडे मार दो, तानिया तोड़ दो, बिजली का आए दिन रेट बदे रेंदे ने। इस हुकूमत का भी बहुत सारा इस चीज से तवज्जो नहीं है, लूम वाला पिसदा पिसी जाए, बिल बधा के ले जा रहे हैं। पावलूम इंडस्ट्री के हालिया बहरान ने मजदूर तबका को पूरी तरह मुतासर किया, जिसमें 80 साल बूढ़ा मोहम्मद खालिद भी शामिल है। मोहम्मद खालिद कई सालों से फैक्ट्री में मजदूर की हैसियत से काम कर रहा है। आए रोज की हड़तालों, बिजली की बंदिश और धागे की कमी की वजह से इसे घर की कफालत करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैनु जी 15-20 साल हो चले हैं, मैनु जी 8000 रुपया मिलता, मेरे जी 8 बच्चे हैं। साढ़े तो पल कुछ नहीं पे आएगा, मालकों को पैसे होंगे बह के खा लेंगे, गरीब आदमी भुखा मरता, साढ़े पल तो कोई शायद नहीं पैंती। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ मजदूर का सोचे, हम दसो असं की कर सकते हैं, मेहनत मजदूरी तो सिवा साढ़े कुछ नहीं, हड़ताल हुई जी असं वेले फिर रहे हैं, असं कोई काम नहीं कर सकते, असं सिवाए लूमा तो इन्हों तो साढ़े कोई काम नहीं है। मोहम्मद खालिद की तरह जाने और कितने लोग महंगाई के हाथों तंग होकर इन आराम के दिनों में भी काम करने पर मजबूर हैं। इस बात की है कि इस मसले का ऐसा हल निकाला जाए कि फैक्ट्री मालिक और मजदूर के दरमियान मामला खुश सलूबी से तय पहुँचे, ताकि फैसलाबाद तरक्की की राह पर गामजा रहे। कैमरा मैन मुनव्वर जावेद के साथ शाहिद मुश्ताक, मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद।